गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मीना दुचानिया, असिस्टेंट प्रोफेसर SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, BSc पार्ट सेकंड पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट के थर्मोडायनेमिक चैप्टर के बच्चों हम स्टडी कर रहे थे, उसी में हम आज कंटिन्यूस में स्टडी करेंगे ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मा गति का प्रथम नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम नष्ट किया जा सकता है, यद्यपि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किए जा सकते हैं, यानी एनर्जी को ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जाता है। इस नियम को है कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे हम अगर डेफिनेशन के फॉर्म में देखें तो डेफिनेशन के फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा निश्चित रहती है या यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, अर्थात किसी भी प्रक्रम के बाद सिस्टम व सराउंडिंग के टोटल एनर्जी में चेंज का मान ज़ीरो होता है। अतः यदि U1 ऊर्जा वाले किसी सिस्टम को हीट की क्वांटिटी उपलब्ध कराई जाए और उसके W वर्क किया जाए तो वह U2 एनर्जी लेवल इस प्रकार आएगा कि U2 माइनस U1 इजिकल टू डेल्टा U इजिकल टू Q माइनस W। तो थर्मोडायनेमिक का जो फर्स्ट लॉ है उसका मैथमेटिकल फॉर्म है डेल्टा U इजिकल टू Q माइनस W। नेक्स्ट हम बात करते हैं आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी। प्रत्येक जो सब्सटेंस होता है उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है और वो जो एनर्जी होती है वो किस किस से रिलेटेड होते हैं इसकी हम स्टडी कर लेते हैं कि प्रत्येक पदार्थ या सब्सटेंस की एनर्जी निश्चित मात्रा से संबंध होता है। ऊर्जा की यह मात्रा उसकी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है। इस एनर्जी को सिस्टम की इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है। किसी पदार्थ के लिए उसकी इंटरनल एनर्जी के सही मान को ज्ञात करना संभव नहीं है। किसी पदार्थ की रासायनिक प्रकृति में अणुओं को स्थानांतरण, घूर्णन, कंपन, अलग अलग परमाणुओं की प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की संख्या व्यवस्था, नाभिक द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा तथा अनेक अनिर्धारित कारक हैं जिनका परिणाम ज्ञात नहीं हो सकता। अतः किसी पदार्थ की ऊर्जा का निरपेक्ष मान ज्ञात करना संभव नहीं है, लेकिन साथ ही एक बात तय है कि किसी पदार्थ अथवा तंत्र की इंटरनल एनर्जी का मान निश्चित होता है और वह उसकी रासायनिक प्रकृति, कंपोजिशन, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि सिस्टम अथवा सब्सटेंस ने यह किस प्रकार प्राप्त की, अर्थात इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है ना कि पाथ फंक्शन। बच्चों दो पाथ फंक्शन दो ही है, वर्क और हीट दोनों पाथ फंक्शन है, इसके अलावा जो भी जो फंक्शन है वो है स्टेट फंक्शन, जिनकी स्टडी हमने प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। किसी पदार्थ अथवा तंत्र के इंटरनल एनर्जी को निरपेक्ष रूप से ज्ञात करना संभव नहीं है, लेकिन ऊष्मा गति में इसकी आवश्यकता भी नहीं है। अतः किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम में तंत्र के इंटरनल एनर्जी में क्या परिवर्तन हुआ इसमें हमारी रुचि है और इंटरनल एनर्जी के परिवर्तन को हम ज्ञात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्थिर आयतन पर ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज इन एनर्जी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। माना सिस्टम जिसकी एनर्जी उसके टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है, यानी एनर्जी फंक्शन हो गई टेम्परेचर और वॉल्यूम का। अगर हम इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल करें, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इसका हो जाएगा DE इजिकल टू एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो जो कांस्टेंट होता है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाता है। सपोज ये वाली टर्म्स हैं, यहाँ वॉल्यूम जो आपको बाहर नीचे दिख रहा है वॉल्यूम है, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इंटरनल एनर्जी में चेंज, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं डेल ई अपॉन डेल टी ए कांस्टेंट वॉल्यूम
इंटू डी टी प्लस, और ये जो टर्म्स है वो है कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटरनल एनर्जी में चेंज। तो इसे हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल वी। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 3A, जहाँ आंशिक व्यंजन डेल ई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम स्थिर आयतन पर ताप के साथ ऊर्जा परिवर्तन की दर, और जो डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम के साथ एनर्जी में चेंज की रेट है। चूँकि एनर्जी अथवा इंटरनल एनर्जी, एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू इंटरनल एनर्जी ई, तंत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, अतः समीकरण 3A के पार्शियल डेरिवेटिव भी बहुत अधिक महत्व के हैं। और यदि हम इनके मान को ज्ञात कर लेते हैं तो तंत्र की ऊर्जा के परिवर्तन को हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट, जो कि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ा था, और इक्वेशन थर्ड से डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी। हम लोग वर्क को क्या कह सकते हैं, वर्क को कह सकते हैं पी इंटू डी वी। तो डी डेल क्यू माइनस पी डी वी इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन फोर्थ। अब सपोज सिस्टम का आयतन कांस्टेंट रखते हैं, सिस्टम का आयतन कांस्टेंट रखा है, इसका मतलब डी वी हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। उस स्थिति में इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी डी ई अपॉन डेल क्यू, और इक्वेशन फोर्थ हो जाएगी हमारे पास जब डी वी ज़ीरो है तो जो डी वी की टर्म है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो डेल क्यू इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू डी टी, या अगर डी टी को हम नीचे ले आते हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन सिक्स है, डेल क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वेशन सिक्स। ताप में डी टी की वृद्धि के लिए स्थिर आयतन पर कोई सिस्टम कितनी ऊर्जा अपने सराउंडिंग से ग्रहण करता है, यह उसके स्थिर आयतन पर हीट कैपेसिटी, जिसे हम सी वी से डिनोट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से लिखी जा सकती है। तो सी वी इज इक्वल टू हो जाएगा सी वी इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी स्थिर आयतन पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी, यानी वॉल्यूम के साथ कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर के साथ एनर्जी में चेंज को हम कहते हैं सी वी। चूँकि स्थिर आयतन पर किसी तंत्र की हीट कैपेसिटी को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, अतः पार्शियल क्वांटिटी डेल ई डेल टी अपॉन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एक ज्ञात करने योग्य मात्रा है। अतः इक्वेशन सेवन्थ का निम्न रूप हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू जी ज़ीरो। तो डी ई हो जाएगा, जब अगर डी ई इज इक्वल टू सी वी इंटू डी टी, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन एट। उपयुक्त जो इक्वेशन है वह अनंत सूक्ष्म परिवर्तन के लिए है। इस समीकरण को इंटीग्रेट करके हम एक निश्चित परिवर्तन के लिए ऊर्जा को चेंज कर हम डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी डेल्टा ई लिमिटेशन लगा देंगे हम टी वन से टी टू सी वी इंटू डी टी। यह इक्वेशन नाइन्थ हो गई। इक्वेशन नाइन्थ की सहायता से केवल हम सिस्टम के गुणों से डेल्टा ई का वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन फिफ्थ को इंटीग्रेट करने पर तो डेल्टा ई की जो वैल्यू आएगी और क्यू में जो रिलेशन आएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन टेंथ। अतः किसी तंत्र द्वारा स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा तंत्र की आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि के बराबर होती है। अतः किसी तंत्र द्वारा स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा तंत्र की आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि के बराबर होती है। इक्वेशन टेंथ में हम देख पाते हैं कि डेल्टा क्यू व डेल्टा क्यू वी दोनों के चिन्ह समान हैं।
तो क्यू के लिए हम ये जानते हैं कि ये सराउंडिंग से तंत्र की ओर अगर प्रवाहित ऊष्मा क्यूवी ग्रेटर देन है ज़ीरो, तो डेल्टा ई ग्रेटर देन है ज़ीरो, अर्थात तंत्र की जो सिस्टम है उसकी एनर्जी में वृद्धि होगी। और यदि परिवर्तन के दौरान जो हीट है का फ्लो है सिस्टम से सराउंडिंग को और होता है, तो क्यूवी व डेल्टा ई दोनों ही की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी या इससे कम होगी, यानी सिस्टम की एनर्जी में कमी आएगी। चूंकि सी वी सदा पॉजिटिव मात्रा होती है, अतः इक्वेशन 8 के अकॉर्डिंग यदि सिस्टम के टेम्परेचर में वृद्धि होती है, या हम कह सकते हैं कि डी टी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो सिस्टम की जो एनर्जी है उसमें वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके विपरीत यदि ताप में कमी होती है डी टी लेस देन ज़ीरो, तो तंत्र की ऊर्जा भी कम हो जाएगी। अतः जो तंत्र स्थिर आयतन पर स्थापित हो उसका ताप ही उस तंत्र की ऊर्जा का सीधा माप होता है। अर्थात इससे ये प्रूफ हो जाता है कि आइडल गैस की इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर का ही फलन है, न कि वॉल्यूम का फलन। तंत्र की एनर्जी व हीट कैपेसिटी दोनों ही सिस्टम के क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। जबकि प्रति मोल ऊष्मा धारिता हीट कैपेसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जिसके आंकड़ों की मानक समीकरण सारणी भी बनी हुई है। यदि हम माने कि टेम्परेचर टी वन से टी टू है और हीट कैपेसिटी का मान स्थिर है, तो इक्वेशन जो 9th है वो हो जाएगी डेल्टा ई इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी। यह अत्यंत ये रिलेशन है वो उपयोगी इक्वेशन है, क्योंकि ताप के छोटे छोटे परास या स्मॉल रेंज में ऊष्माधारिता का मान स्थिर होता है, अतः तंत्र की ऊर्जा परिवर्तन का परिकलन आसानी से किया जा सकता है। तो इक्वेशन 9th व 10th स्थिर आयतनों के प्रक्रमों के लिए बिल्कुल एक जो नॉर्मल इक्वेशन है, और इसे किसी लिक्विड सॉलिड अथवा गैस सिस्टम पर लागू किया जा सकता है। लेकिन ये थ्योरेटिकल स्तर पर सही है, लेकिन रियलिटी स्तर पर ये चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि रियलिटी स्टेज पर सिस्टम के रूप में यदि किसी पूर्ण रूप से ठोस या पूर्ण रूप से हम कहते हैं कि लिक्विड को किसी सीमित आयतन वाले पात्र में लेकर उसका अगर टेम्परेचर बढ़ाएं, तो सॉलिड अथवा लिक्विड की जो संपीड़ता होगी कम के कारण पात्र में दाब इतना अधिक हो जाएगा, वे पात्र विकृत होकर फट जाएगा। अतः एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर ऐसा तंत्र लिया जाता है जो कम से कम आंशिक रूप से क्या हो, गैसी हो। बच्चों अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। थैंक यू।